सो गाइस 12:30 हो गए हैं एंड थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राहुल रमोला व्लॉग। सो पहली बात तो सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस आज जैसे कि आप जानते हैं दिवाली सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारे ऑफिसेज में डीजे बज रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसेज में मतलब पूजा सेलिब्रेशन हो रहे हैं, तो हमारे ऑफिस में भी एक छोटी सी पूजा है। एंड आई होप जैसे कि हमेशा हम तैयार होके जाते हैं एथनिक वेयर में, तो आपको ये हमारा एथनिक वेयर पसंद आ रहा होगा। एंड आज मैं भी फुल रेडी हूँ भाई, ऑलवेज हमेशा की तरह। अभी निकल चुका हूँ मैं ये रेजांगला चौक और अंसल प्लाजा के आसपास वाले रास्ते पे, एंड कुछ 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे ऑफिस। एंड इसके अलावा देखते हैं ऑफिस में क्या, मतलब वैसे तो अभी जल्दी निकल रहा हूँ मैं और हमारा ऑफिस 10:30 के आसपास ही मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है, तो देखते हैं क्या मतलब होता है वहाँ पे, पूजा वूजा का क्या मतलब अरेंजमेंट है। छोटा सा ऑफिस है अपना, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो गाइस आज मैं सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि क्या हुआ ना आज धनतेरस है और कल धनतेरस की वजह से ऑलरेडी रोड्स पे बहुत जाम लगा पड़ा था भाई। मैं बता दूं, मैं 6 बजे निकलता हूं और मैं पहुंचता हूं ऑलमोस्ट 9:30 घर, मतलब इतना जाम लगा हुआ था। वो भी तब पहुंचता हूं यहां पे गुड़गांव में, मतलब जब मैं रास्ता चेंज करता हूं तो मुझे रात में मतलब एक मतलब काफ़ी मतलब 1-2 घंटे तो मैं एक ही जगह पे खड़ा था भाई, तो मुझे लगा कि शायद आज भी ऐसा ही होगा, पर सुबह सुबह तो जाम है नहीं, शाम का पता नहीं, तो शाम को भी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी ऑफिस जाके बात करते हैं। अभी तो मैं हूँ सेक्टर 23 के मार्केट में एंड अभी इतनी भीड़ है नहीं मार्केट के आसपास, नॉर्मली इस मार्केट के आसपास बहुत भीड़ होती है। सो गाइज ये है सेक्टर 23 का हुडा मार्केट, आज बारिश का यहाँ भी मस्त कमाल दिख रहा है, तो मुझे कुछ सामान लेना था तो देखते हैं मिलता है या नहीं इस मार्केट। जस्ट मिस कर गया, अभी थोड़ी देर पहले बारिश बहुत हुई थी गुड़गांव में 5-10 मिनट के लिए, तो फिलहाल मैं ऑफिस आ गया हूँ। गाइज इसका नाम है राज नंदनी और मेरा नाम है शाम। और जैसे आपने देखा कि ये फर्स्ट फ्लोर के लिए भी लिफ्ट यूज कर गया है, बस इतना सा आना था बस। और हमारा नाम क्या है भाई का? विकास है। सॉरी भाई विकास भाई, हमें दिवाली की मिठाई खिला रहे हैं। और क्या कर रहे हो? सो दिवाली की कोई सजावट नहीं हो रखी है ऑफिस में, अब जाके तैयारी कर रहे हैं। चलो छोटे मोटे ऑफिस में ये सब होता रहता है, आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और हमारे जगदीश भाई सजा रहे हैं, अभी भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो चलो हम अपना काम करते हैं। गाइस मैं अभी के लिए ऑफिस के हाल बता दूँ, कोई सब बिजी है इधर उधर। सो गाइस 12:30 हो गए हैं एंड थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी और आई थिंक लंच करने के बाद हम भी निकल जाएंगे घर को। अभी ऑफिस ऑलमोस्ट खाली पड़ा है, देख लो बाहर, तो हम भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। यही है आज का मतलब दिवाली का, बाकी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सो गाइस फाइनली बाहर पूजा शुरू हो गई है, चलते हैं फिर।
तो भाई पूजा संपन्न हो गई है, ये रहा हमारा प्रसाद। तो बहुत सारे ऑफिस में डीजे बजता है, पार्टी होती है, डांस होता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स मतलब एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन आज मतलब बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही है क्योंकि हमारे ऑफिस में पूजा थी और एक घर जैसी फीलिंग आ रही है जो हम मतलब घर में करते हैं। ऑफिस वाली फीलिंग नहीं आ रही, घर वाली फीलिंग आ रही है। तो गाइज पूजा संपन्न होने के बाद हम जा रहे हैं पिंड बलूची लंच के लिए, और उससे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये जो दिवाली की मिठाई है तो वो तैयार हो गई, तो चलते हैं। ये हमारे सोनू सर तुलू ले दिया। सो गाइज अभी लंच करने जा रहे हैं हम पिंड बलूची, और हमारे साथ सब के सब जाएंगे भाई। आ जाओ भाई, जिस जिसको जाना है पिंड बलूची, कोई आ रहा है क्या? तो चलो फिर फटाफट। हाँ भाई, गवर्नमेंट स्टाफ भाई साहब चल रहा है भाई, नहीं अब बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, यहाँ पे आवाज बहुत आएगी। ऑलराइट गाइस, सो आ गए हैं हम ऑफिस से बाहर और टाइम हो रहा है 1:32 या 40 मिनट के आसपास, राइट। तो हम जा रहे हैं पिंड बलूची लंच करने और उसके बाद सभी निकल जाएंगे घर, हाँ मैं भी, तो उसके बाद शाम को। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली आ गए हम पिंड बलूची में लंच करने के लिए। तो आज का दिवाली सेलिब्रेशन ऑफिस की तरफ से यहाँ, तो चलते हैं लंच करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिन के 3:30 बज गए हैं एंड लंच कंप्लीट हो गया है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। पहले तो मैं ऑफिस जाऊँगा अपना सामान वामान पिक करके, फिर घर जाऊँगा। ऑलराइट गाइस, सो पार्टी और लंच हो गया दोनों ही, एंड इसके बाद अब निकलते हैं घर के लिए, और पहले मैं ऑफिस से सामान उठा लूँ अपना बैग, उसके बाद चलेंगे। सो गाइज फाइनली मैंने सामान ले लिया अपने ऑफिस से, अपना लैपटॉप एंड बैग सारा मतलब पिक करके मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पार्टी करी है अभी लंच के साथ साथ, तो पूजा करी है हमने ऑफिस में, तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे ऑफिस प्रेमिसेस में, हम चले जाएंगे डायरेक्ट अपने घर। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, जो भी हमारी प्राइवेट जॉब लाइफ है हमने आपको एक्सप्लोर करवाई है, और हमारा सेलिब्रेशन नॉर्मली जो होता है हर ऑफिस में अलग अलग होता है, नॉर्मली डीजे पार्टी एंड ऑल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, तो आई थिंक कि हमको शो करना चाहिए कि कुछ इस तरीके से भी घर जैसा माहौल भी ऑफिस में हो सकता है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने जो पार्टी एंड एंजॉय करी है एंड ऑफिस में मतलब आज का दिन एंजॉय किया। सो गाइज जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जाके भाई सब्सक्राइब बटन आता है दबा दो, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो मर्जी करना है करो यार, बट शेयर जरूर करो यार, दूसरों को भी बताओ कि प्राइवेट जॉब ऐसी होती है भाई, ऐसे भी हो सकती है, बहुत तरीके की होती हैं, आप अपनी दिखाओ हम अपनी दिखा रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय गाइज, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद राहुल रमोला व्लॉग्स, बूम।